नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, जो DSSB PRT का पेपर हुआ था आज, ठीक है, उसका हमने जो साइकोलॉजी का सॉल्यूशन है वो तो डाल दिया है। ठीक है, जिसने साइको का पार्ट नंबर 2 देखना है, मतलब कि पूरा हमने डाला है सेक्शन 2, ठीक है, सेक्शन बी, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है और वीडियो के एंड में भी आपको डिस्प्ले पर शो हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम मैथ का सॉल्यूशन नहीं करवा रहे हैं, आंसर की बता रहा हूँ। आंसर की का मतलब क्या होता है, आंसर आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि मैथ का सॉल्यूशन कल डाल देंगे, पहले एक बार मैं आंसर की डाल देता हूँ सभी सब्जेक्ट की, ठीक है, जिससे बच्चे अपना मिला लेंगे या फिर जिन बच्चे ने नहीं दे रखा वो अपना करके देख लेंगे हमारे कितने नंबर बन रहे हैं, सॉल्यूशन कल डाल देंगे। चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, कि 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 साल है, उनमें से 4 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 साल है, तो बचे हुए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए राइट आंसर रहेगा 15.33 वर्ष। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि आयुष अपने वेतन में 10% की वृद्धि प्राप्त करने के बाद 33,000 रुपये प्राप्त करता है, तो उसका जो मूल वेतन है कितना रहेगा, तो 30,000 जो है इसका राइट आंसर आएगा भाई। नेक्स्ट है कि एक वस्तु की क्रय मूल्य के 40% लाभ पर बेची जाती है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, 7:5 हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि 3,262 रुपये को एक्स वाई जेड में इस प्रकार बांटा जाता है कि 35 रुपये, 15 रुपये और 12 रुपये में जो भागों में से घटाया जाए, तो मेरे पास शेष जो है 3:5:8 के अनुपात में रहता है, तो बताइए x का अनुपात क्या होगा। तो x का अनुपात 635 होगा, तो d इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि एक महाविद्यालय ने 38 पदक फुटबॉल में, 15 बास्केटबॉल में और 20 क्रिकेट में प्रदान किए हैं, यदि ये पदक 58 व्यक्तियों को दिए गए और केवल 3 व्यक्तियों को सभी खेलों में पदक मिले हैं, तो कितनों को 3 खेलों में 2 पदक प्राप्त हुए हैं, तो इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं रहेगा, डी ऑप्शन इसका राइट रहेगा, कोई नहीं। तो नेक्स्ट सम देखिए क्या है, यदि 10^n प्लस 34^n प्लस 2 प्लस के सभी इनक में क्या है, 9 से विभाज्य है, 9 से भाज्य है, विभाज्य है, तो जो k का न्यूनतम धनात्मक योग अविभाज्य मान होगा क्या होगा, तो 7 रहेगा, इसका भी राइट आंसर सी रहेगा। फिर नेक्स्ट है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 216 है और जो एलसीएम है 36 है, तो एच सी एम बताइए क्या रहेगा, इसका भी बी रहेगा 6। यदि एक विद्युत यंत्र प्रत्येक 60 सेकंड के बाद ध्वनि करता है, दूसरा यंत्र प्रत्येक 62 सेकंड के बाद ध्वनि करता है, यदि इनको 10 AM पर एक साथ बजते हैं, तो अगली बार कब बजेंगे, तो 10:31 पर बजेंगे, तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि 25 को 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि जो उनका व्युत क्रम है, उल्टा क्रम है, उनका योग 1/6 हो, तो राइट आंसर क्या रहेगा, जो बी है इसका राइट आंसर रहेगा भाई। नेक्स्ट है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी और 3 वर्ष बाद उनकी आयु पिता की आयु की 3 गुना हो जाएगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, 13 साल हो जाएगी पुत्र की वर्तमान आयु, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो और देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन थे। यदि साधारण ब्याज की एक दी हुई दर 8 वर्षों में एक धनराशि की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, 24 सालों में 4 गुना हो जाएगी, बी इसका राइट आंसर रहेगा। 35 लड़कों के औसत अंक 80 हैं और 25 लड़कों के औसत अंक 68 है, तो लड़कियों लड़कियों का जो अंक होगा वह कितना होगा, 75 हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। यदि दूध का मूल्य 20% घटा दिया जाए, तो दूध की खपत में कितनी बढ़ाई जाए कि दूध पर जो किया जाने वाला खर्चा है वह समान रहे, तो 25% इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि 80% शुद्ध मूंगफली के तेल के 20 किलोग्राम में कितने किलोग्राम शुद्ध मूंगफली का तेल मिला जाए कि जो परिणामी मिश्रण होगा वह 95% शुद्ध मूंगफली का तेल हो, तो 60 किलोग्राम इसका राइट आंसर आएगा, बी इसका राइट हो जाएगा भाई। फिर आगे भी वही इसी प्रकार का है कि एक मिश्रण में जो दूध और वाटर का, मिल्क एंड वाटर का जो रेशो है 5:1 के अनुपात में है, यदि 5 लीटर उसमें क्या है वाटर मिला दिया जाए, तो दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है, तो जो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, तो 25 लीटर है, तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। और देखिए कि एक किले में जो 560 व्यक्ति हैं, काम करना या खाने का राशन है 70 दिनों के लिए, ठीक है,
तो 20 दिनों के बाद 60 सिपाही छोड़कर चले जाते हैं, तो जो बचा हुआ है खाना है सिपाहियों के लिए कितने दिन का है? तो 56 दिन इसका राइट आ जाएगा, ए इसका राइट आंसर रह जाएगा। एक व्यक्ति की जो आय है प्रथम वर्ष में 3 लाख रुपये है और अगले 19 वर्षों तक वह अपनी आय में 10,000 रुपये प्रति वर्ष आय क्या करता है? प्राप्त करता है। तो 20 वर्षों में उसके द्वारा जो प्राप्त कुल राशि होगी वह कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर सी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। 210 और 385 और 735 का जो HCF है वह क्या रहेगा? 35 इसका राइट आंसर रहेगा। और 49 का 1/(1+a^n-m) है प्लस 1/(1+a^n-n) है का मान क्या होगा? तो इसका मान -1 आएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। सॉरी सॉरी, इसका -1 नहीं +1 आएगा, इसका 49 का सी हो जाएगा, +1 इसका राइट आंसर आएगा भाई। यदि समीकरण में x²-x+2 क्या है? 0 है, तो मूल अल्फा और बीटा है। तो बताइए अल्फा का स्केयर इंटू बीटा प्लस बीटा का स्केयर अल्फा किसके बराबर होगा? इसका -2 आंसर आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने मैथ की आंसर की कर ली। सॉल्यूशन मैं डाल दूंगा अगर आपको ज़रूरत है, वैसे तो इजी आया हुआ था, अगर ज़रूरत नहीं है तो सॉल्यूशन बता देना कमेंट्स में, चाहिए या नहीं चाहिए। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।